दोस्तों नमस्कार, मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में है। तो हम हमेशा जो है कंफ्यूज़ होते हैं कि व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब, बट नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट नेसेसरी टू लिसन प्रॉपरली एंड केयरफुली। व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब क्या है? आपको पता है, हमने आपको टेंस चार्ट भी डाला हुआ है, हमारे चैनल पर टेंस चार्ट डाला हुआ है। तो वो जो टेंस के अकॉर्डिंग जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, टेंस के रूल्स के अनुसार जो हम सेंटेंस बनाते हैं, वो जो वर्ब यूज़ होती है उसमें, वो फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, मतलब कि हम जो भी टेंस का रूल यूज़ करके जो वर्ब का हम उसमें उपयोग करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन इन द सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ओके, पर्सन और सब्जेक्ट के अनुसार जो हम वर्ब को चेंज करते हैं, ये किस में करते हैं? ये हम टेंस में करते हैं। तो फाइनली मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी सेंटेंस हम अकॉर्डिंग टू टेंस बना रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब। अंडरस्टैंड? तो डोंट बी कन्फ्यूज व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू टेंस, तो ये जो है टेंस के अनुसार नहीं है, बट इसको हम जो है तीन भागों में हम बांटते हैं। तो उसका जो है पहला पार्ट जो है वो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। दूसरा जो है आपको पता है पार्टिसिपल है। तीसरा जो है जीरण। तो इस वीडियो में हम आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इन्फिनिटिव भी जो है दो तरह के होते हैं, टू इन्फिनिटिव एंड जो है सेकेंड जो है बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स विदाउट टू। ठीक है, एक तो होता है टू के साथ, दूसरा होता है टू के बिना। चलिए हम देखते हैं कैसा क्या होता है। तो इन्फिनिटिव विथ टू, बेयर इन्फिनिटिव की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सीधी बात करते हैं कि टू इन्फिनिटिव को हम यूज़ कहाँ करते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, अलाउ मी टू ईट, अलाउ मी टू ईट, ओके। तो यहाँ पे जो है मेरा वर्ब है ईट, उसके पहले हमने टू का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो वर्ब के पहले ही एक्चुअली इन्फिनिटिव का यूज़ होता है मोस्ट प्रोबेबली। ही लाइक्स टू रीड गुड बुक्स, है ना। तो यहाँ पे ये तो खैर आप देखेंगे सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू टेंस है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टू इन्फिनिटिव्स की, टू रीड। तो रीड भी जो है एक वर्ब है, बट उसके पहले हम टू का यूज़ कर रहे हैं और ये बन गया है टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से जो है टू इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। अब थोड़ा हम एक एक करके हम इसके जो रूल्स है वो थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मैंने रूल लिया है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है टू इन्फिनिटिव। पहला जो है यूज़ होता है वो सब्जेक्ट के रूप में, जैसे टू रीड गुड बुक्स इज़ अ गुड हैबिट, ओके, बुक्स को पढ़ना एक अच्छी हैबिट है। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी फॉर एवरीवन, किसी की जो है फॉल्ट को पता करना, देख लेना, ये तो बड़ा ही आसान है एवरीवन, फॉर सभी के लिए। टू वॉक इज़ अ हेल्दी एक्सरसाइज, पैदल चलना जो है बहुत अच्छी है और हेल्दी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपने देखना कि वर्ब के पहले टू लगा हुआ है। इस तरह का जो है हम सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। तो ये जो टू इन्फिनिटिव यहाँ पे अप्लाई हुआ है, और इसका फर्स्ट रूल ये है कि हम टू इन्फिनिटिव्स को सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे टू रीड, टू फाइंड और टू वॉक के रूप में हमने यूज़ किया है। दूसरा हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब में। ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होती है, ऑब्जेक्ट साइड यूज़ होती है। जैसे शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो रही, मतलब इसमें कुछ चीज़ें जो चल रही है और उसका वो अपने जो जगह तक पहुंच रही है। शी वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, टू गो यहाँ पे ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, बट यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, टू इन्फिनिटिव। आई लाइक टू प्ले खो खो, क्या टू प्ले यहाँ पे टू इन्फिनिटिव है। अब वो किसी के भी रूप में यूज़ होती हो, पर ये टू इन्फिनिटिव इस तरीके से यूज़ होता है हमें, तो जो हमारी जो मेन चीज़ है, जो काम की चीज़ है, उसको पकड़ के चलना है। तीसरा हम रूल देखते हैं यहाँ पे, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कोई वर्ब है ही इज़ जो है यहाँ पे वर्ब है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है टू सेल हिज वाइक, तो
तो ही इज़ टू सेल हिज बाइक, तो यहाँ पे इसको जो है इस जो वर्ब है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है टू सेल टू इन्फिनेटिव. ही वॉज टू गो टू नागपुर, वॉज यहाँ पे जो है मेन वर्ब है और उसको टू गो जो है टू इन्फिनेटिव है. एंड ही इज़ टू कम होम डेली, इज़ यहाँ पे जो है मेन वर्ब है और उसको जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू कम यूज़ हो रहा है. तो इस तरीके से भी हम जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं. और आगे चलते हैं, नाउन के रूप में यूज़ होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है. जैसे कि आपको पता है एडजेक्टिव में आपने देखा होगा एडजेक्टिव का क्या काम है, वो नाउन को क्वालिफाई करता है. तो ऐसे ही टू इन्फिनेटिव भी जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है. जैसे ही हैज़ नो प्रोडक्ट टू सेल, उसके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है सेल करने के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो नाउन है और टू सेल जो है प्रोडक्ट को क्वालिफाई कर रहा है. टू सेल इज़ अ टू इन्फिनेटिव. एंड दिस नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ नो मनी, मनी इज़ अ नाउन एंड टू बाय इज़ अ यूजिंग फॉर मनी. ही हैज़ नो मनी टू बाय एंड टू बाय इज़ क्वालिफाइंग टू मनी, टू बाय इज़ अ टू इन्फिनेटिव. His brother likes cold drinks to drink. Cold drink को पसंद करता है to drink. तो cold drink जो है it is a noun and to drink is a to infinitive. Okay? Next, adverb की तरह भी इसका use होता है. जैसे adverb जो है किसी adjective को qualify करता है. तो he is too smart to do any work. Smart जो है adjective है, तो to do जो है वो अपना to infinitive हो गया. ठीक है, he It is difficult to play this game. Difficult is a adjective and और जो है to play जो है उसको qualify कर रहा है. ठीक है, capable to do, तो capable को qualify कर रहा है to do. तो without this to infinitive the sentence will be incomplete. तो it is the role of to infinitive. You understand that so many times the questions coming in the exam related to infinitive, and it is very easy to learn, and only the simple questions coming in exam, not a very hard. Okay, next one, किसी adverb की तरह verb को भी qualify करते हैं. बहुत सारे लोग ना बहुत complicated तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. कोई चीज़ इतना hard नहीं होती है, हमको जो easy वाला जो है उसको समझ लेना है, सीधी बात है ना. ज़्यादा बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है उसको दिमाग से उड़ा दो. तो सीधा सीधा हमको समझना है. हमारा उद्देश्य है किसी एग्ज़ाम को हमको जो है पास करना, पर्टिकुलर इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हमको उसको करना. ठीक है, तो यहाँ पे कोई डरने की ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ सीधा सीधा है. इसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट नियम में चलता हूँ, किसी एडवर्ब की तरह वर्ब को भी क्वालिफाई करता है. ही वॉन्ट्स टू हेल्प हिज मदर, तो ये जो यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. जैसे वर्ब है वॉन्ट्स, यहाँ पे सोल्ड एक वर्ब है उसको क्वालिफाई कर रहा है टू बाय. शी सोल्ड हर मोबाइल टू बाय बुक्स. ओके, ही वॉन्ट्स टू, तो टू हेल्प के पहले लग गया दूसरी दूसरा एक और वर्ब. मतलब एक सेंटेंस में दो दो वर्ब आ रही है, दूसरे वर्ब जो है उसके पहले टू लगाया है. इट इज़ अ टू इन्फिनेटिव. ओके, इन सेकेंड सेंटेंस ऑल्सो बाय बिफोर बाय यूजिंग टू इट इज़ कॉल्ड अ टू इन्फिनेटिव एंड इट इज़ मॉडिफाई और क्वालिफाई टू सोल्ड वन मोर मेन वर्ब. इसके अलावा भी आप याद रखिएगा कि टू इन्फिनेटिव जो है कई सारी वर्ब के बाद उपयोग होता है. जैसे हम यहाँ पे सारे के सारे वर्ब के पहले यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी वर्ब्स के बाद यूज़ होता है. इसके लिए आप कोई अच्छी सी बुक उठाइए और उसमें पढ़िए कि कौन कौन सी वर्ब के, अगर ऐसा ज़रूरी है तो मैं एक और वीडियो बनाऊँगा उसमें बताऊँगा कि क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स हैं, कम से कम 50, 60, 70, 80, 100 वर्ब हैं, कौन कौन सी वर्ब लिख के हम बताएँगे, तो थोड़ा टफ है ना. कई सारी एडजेक्टिव के बाद भी इसका उपयोग होता है. ठीक है, ये भी अपने को देखना होगा. और किसी प्रीपोजिशन के बाद भी इसका उपयोग होता है. जैसे प्रीपोजिशन कोई भी हो, यहाँ दिया है शी इज़ अबाउट टू कम, तो यहाँ पे अबाउट जो है प्रीपोजिशन, उसके बाद हम टू कम यूज़ हो. नाउ डेज वी वॉन्ट टू नथिंग बट टू स्टडी एट होम, तो यहाँ पे क्या है बट के बाद टू स्टडी यूज़ हो. तो इसके इस तरीके से जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है. इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, वर्ब के पहले हम टू लगा रहे हैं, है ना. और इस तरीके से ये इसका उपयोग होता है. अब आप थोड़ा समझ तो गए हो, कहीं तो पहुँचे होंगे मेरे ख्याल से. अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे को कुछ
अपने को कुछ काम की चीज़ मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा पब्लिक के बीच। और जो है मैं इससे भी अच्छा जो आपको समझाने का कोशिश करूँगा, और आगे जो भी है मैं आपके काम की जो ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।